ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र के आम्रपाली कॉलोनी में हुई दो पक्षों में मारपीट के मामले में जामुल थाने में भाजपाइयों ने स्थानीय रहवासियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर एक पक्ष को संरक्षण देकर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस और भाजपाइयों में जमकर तू तू मैं हुई। मामला बढ़ता देख अन्य थानों के बल के साथ भिलाई नगर CSP भी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाने का प्रयास करने लगे। स्थानीय रहवासियों और भाजपाइयों ने इतना ज्यादा आक्रोशित थे कि पुलिस के साथ उन्होंने जमकर झूमाझटकी की, जिसके बाद CSP भिलाई नगर द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद ही मामला शांत हुआ। ये आम्रपाली कॉलोनी में रहते हैं, रात को घूम रहे थे खाना खाने के बाद, इनके साथ कुछ लोगों ने छिलचाई की, इनकी चेन छीन ली और पुरानी रंजिश का हवाला देकर के और इनके साथ मारपीट की कोशिश की, मारपीट भी की। रात को कॉलोनी के सारे लोग आए यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने के लिए, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। मेरे पास इन लोगों ने फ़ोन किया, भैया हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। मैंने रात को थाने में फ़ोन किया तब रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद कार्रवाई होना चाहिए, तो कार्रवाई नहीं हुई। नामजद रिपोर्ट होने के बाद मुजरिम को अभी 2-3 बजे बुलाने के बाद बुला करके बोल रहे हैं कि तुम अपनी काउंटर रिपोर्ट लिखाओ, और उसको बैठा के सोफे में चाय पिला रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा साफ झलक रहा है कि किसी न किसी के दबाव में काम किया जा रहा है। या तो ये इनका मुंह भर दिया गया पैसे से, पैसे के कारण कर रहे हैं, या किसी दबाव में कर रहे हैं। किसके दबाव में कर रहे हैं? अब दबाव में कर रहे हैं, कांग्रेसी लोगों के दबाव कर रहे हैं। स्पष्ट है कि भूपेश बघेल की सरकार है और कांग्रेसी दबाव में काम कर रहे हैं लोग, और पुलिस प्रशासन जिस तरह से कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस वालों को समझना चाहिए, उनको नौकरी करना है 62 साल तक, और ये कांग्रेस हमेशा ही रहेगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो ऐसे पुलिस वालों को जो गलत काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से हट करके काम कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि पुलिस विभाग अपनी निष्पक्षता के साथ काम करे, जनता के हित में काम करे। जनता के हित में काम नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके विरोध में हर स्तर पर खड़ा होगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा और उनका जीना मुश्किल कर देगा अगर आप जनहित में काम नहीं करोगे तो। और आज भी अगर ये रिपोर्ट इनकाउंटर कराई गई तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यहाँ रहेगा और रह करके उनका जीना मुश्किल कर देगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।